गाइस तो दिस इज़ मी राबिया तबस्सुम एंड होप सो यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो सोचा आज कल लोग क्लास में से शुरू करते हैं, बाहर बहुत गर्मी है भाई, क्लास में कोई था नहीं, मैं अकेली थी। अभी ये लोग सब आ चुके हैं, ठीक है, और मैं जब कुछ शूट करती हूँ तो पीछे से कोई आता है। खैर, इस क्लास में हमसे पहले हो रही थी टीवी फिल्म वालों की क्लास, तो उनके सर मुझे कहते बेटा आप यहाँ क्यों नहीं आई, आप लिखती हो तो आप यहाँ क्यों नहीं आई, मतलब जिस चीज़ में इंसान एक्सपर्ट होता है वहाँ क्यों नहीं आता। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बस की तरह मैं क्या बोल रही हूँ। आ जाए सर, आप आ जाए, मेरा भी लोग शूट हो रहा है। गाइस इनसे मिले, अपना इंट्रोडक्शन देते जाए। क्या नाम है? साहिब ज़ादा। मेरा नाम साहिब ज़ादा शुएब अली है और मैं टेररिस्ट नहीं ये चलता रहता है मेरी क्लास में, क्योंकि आपने क्लास के कल हालात तो देख लिए थे, रोज़ यही चलता है। और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्लासेस लेंगे, घर जाएंगे, घर से वापस आएंगे, सब सोचते होंगे क्या बोरिंग रूटीन है, हम खुद तंग आ गए हैं। अभी तो ये पहला हफ्ता रोज़ों का, तो नहीं आगे जगह क्या बनना है, चले देखते हैं, क्लासेस लेके करते हैं आज क्या करना है। क्लास कीजिए यार, इस मैम का लेक्चर है, ये बोर्ड्स क्लियर कर देते हैं, वरना उधर से आके मुझे रोज़ की हमेशा की तरह मिलना है, जी यार काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो इससे पहले मैम कुछ बोलें, खुद ही बोर्ड साफ कर दो। ये ज़िंदगी है भाई, ये ज़िंदगी है बच्चों जी यार की, ये देखो होता है एडवर्टाइजमेंट करने का नुकसान भी और फ़ायदा। जब भी बनवाएं हमसे अपनी एडवर्टाइजमेंट्स की ना कॉपीज, ये लोग भी परेशान हैं, इनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गया। और करो पीआर एडवर्टाइजमेंट करो। बहस हो गई है गाइस फेमिनिज्म में, बहस हो गया Assalamualaikum, this is Ehsan Khan. I am British and Asian actor and I work here and there. मैंने कहा जरा धूप में जाते होते हैं खड़े, जैसे यहाँ पे ना बहुत आगे कोई जनवरी फरवरी की जैसे धूप है, ऐसे धूप है आपका मुँह ही दूसरी तरफ लगाते। खैर आज की क्लासेस में तो था ही सुस्ती वाला हाल, पर कुछ भी नहीं, अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। जब तो घर जाने का कह रहे हैं और कुछ करने का नहीं कर रहे, बाकी देखते हैं क्या करना है। क्लास में फेमिनिज्म की बहस हो रही थी आज, उसके ऊपर मैं अपनी राय कभी भी शेयर नहीं करती, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर इंसान को मैं कहती हूँ राय शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं करनी। कई मसले क्या है भाई, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जू है, ऐसे यूनिवर्सिटी में ना बहुत शोर है, कुछ नहीं कर सकते, अपनी वीडियो बंद करनी पड़ेगी। खैर नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या करना है, अंधेरा है एकदम से, इधर यहाँ पे लाइट्स ऑन करवाओ, यूसीपी वालों को कहो कुछ बात की, इंसान कुछ नहीं हो सकता ना, कामयाब नहीं आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी 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 से और टाइम पर क्लासेस ही कम होती हैं, तो कुछ करने तो होते ही एक्स्ट्रा, ये होता सारा यूनिवर्सिटी में, क्या बताऊँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए ना। ये वाली हरकतें सेमेस्टर्स के शुरू वाले सेमेस्टर्स में ये अच्छी लगती हैं कि फ्रेंड्स हो रहे हैं और ये सब कुछ हम लोगों ने भी किया, सब करते हैं, तो ये अब जो फ्रेशर्स आए हैं हमारे वो भी यही सब कर रहे हैं, तो ये कुछ शुरू के सेमेस्टर्स में ही होता है। उसके बाद जब आप लास्ट सेमेस्टर्स तक आते हैं ना, तो इट्स लाइक क्या है ये तो रोज़ का ही है, चलता है। नीचे आया, नीचे आके हमने इसको देखा है और इसको ही देख रही हूँ मैं कब से बैठ के, हम जानते हैं बच्चों की ना शक्ल ऐसी हो जाती है। लोग कह रहे थे कि क्लास दिखाती रहती है, कुछ अपनी बात भी किया, अपनी बात क्या कर रहे हैं, रमज़ान में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, रमज़ान में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और वैसे ही बुला लेना चाहिए, वैसे ही बुला लेना चाहिए, लगेगा वैसे मसला आने का ही है,
मेरे साथ इच्छा कर बैठी है, वो कह रही रमज़ान में क्लासेज ही नहीं होनी चाहिए, वैसे ही बुला देना चाहिए। ये कौन सी थ्योरी है? वो आ जा भाई, पहले नहीं आना चाहिए। क्या बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, हम कौन है, हमारा दीन क्या है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आ रही है पिक्चर आपकी। आप भी हम भी पिक्चर बना रही थी यार, इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको कह रहे हैं कि अफ्तारी करने चलते हैं, लेकिन कह रही है कि जान कंट्रोल, इसको रोता लग रहा है तो हम इसको कह रहे हैं कि अफ्तारी करने जाते हैं कहीं, लेकिन मान नहीं रही। मेरे ख्याल से आराम करने लगा उससे पहले, इससे ऐसा ही होता है। देखिए कभी भी सहरी के बगैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, सुन रहे हैं ये। कभी कभी आँख नहीं भी खुलती, रोज़ा छोड़ देती, कभी कभी नहीं आपकी रोज़ा नहीं खुलती यहाँ, ये होते हैं सहरी के बगैर रोज़ा रखने का नतीजा। उसने भी लोग में नहीं आना मेरे साथ, तो करिए दफा हो जाए यहाँ से अपनी शक्ल लेकर, वो तंग आ गई है मुझसे। मैं मुझसे ना क्लिक के लिए कुछ भी नहीं, मैं लोग नहीं होता मुझसे, मैं को बातें ही नहीं करनी थी, मैं किससे बातें करूँ, मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊँ। सब ने कहना मोटिवेशनल स्पीकर उठ के आ गई है, मुफ्त की अपनी ज़िंदगी इसकी ठीक है। तो कोई जात ही नहीं, पहली भी नहीं, शुरू ही नहीं किया, ख़त्म कहाँ होगा। एक सबको एडवाइस है, वो हवा बहुत अच्छी चल रही है, कोई फिल्में ही देखें, फिल्मों में हवा चलती है तो अच्छा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। अगर आपने सहरी नहीं की तो प्लीज़ रोज़ा मत रखिए, क्योंकि सहरी के बगैर रोज़ा, आप क्या समझते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं कि हम ऐसे जाएंगे, यूनिवर्सिटी से भी हो आएंगे। और मुझे पता है कि मैं सब कुछ कह रही हूँ, ये देखें सहरी करके जो नहीं ना करते ना सहरी और रोज़ा रखते हैं, ऐसा उनका हाल होता है। इस वजह से अच्छा चल चला भी नहीं जा रहा, इसको अपने हॉस्टल जाना है। मैंने तो ऑफर करवाई है कि हम अफ्तारी करते हैं जाके, मान ही नहीं रही। इतनी देर तुम लोगों के साथ मैं कैसे गुजारूं अफ्तारी करने? हाँ यार, हमारे साथ मेरे साथ गुजारना ना टाइम बहुत, अभी 4:18 हो रहे हैं और यानी कि 6:30 तक इनके साथ रहना इज इक्वल टू मतलब भूखा रहना। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। तो मैंने आपसे सिर्फ यही बात करनी थी कि अपने पे रहम खाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे भी रहम खाएं, और जो है ना अफ्तारी के बगैर रोज़ा मत रखें। और अगर मैंने एक और दफ़ा ये बात की तो मुझे पीछे से मार पड़ जाएगी इससे। तो गाइस खा पी के रोज़ा रखें, अच्छा अच्छा रमज़ान गुजारें, फिर रमज़ान गुजर रहा है पता नहीं लग रहा, लेकिन क्लासेज जब आती है ना तब पता लगता है कि हमसे वो काम लिखवाते हैं। जब हम गिन गिन के टाइम गुजार रहे होते तो हमारा टाइम भी नहीं गुजर रहा होता, आधे घंटे बाद देखते 5 मिनट भी नहीं गुजर रहे होते क्लास। हंसते चेहरे आते हैं मतलब नहीं। अच्छा ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या था, ये UCP है। आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, बीच में से लोग आके हेलो हाय, वो भाई पता नहीं क्या करके गए हैं, वो समझ रहे हैं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो रोज़े गुजारे, रमज़ान अच्छा अच्छा आपका गुजरे, अल्लाह करे सबका गुजरे, हमारा भी अच्छा गुजरे, इसका भी अच्छा गुजरे, और कोई जिंदा रह जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, रमज़ान में यार इस तरह की ना बातें ना किया करें, ठीक है कि जिंदा रह जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए। रमज़ान में हॉस्टल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल काम, सही बात। हाँ भाई इसकी हॉस्टल लाइफ है, अगर किसी को हॉस्टल लाइफ की कोई टिप्स चाहिए तो इसके पास बिल्कुल ना, ये खुद तंग है, समझता है कि उसकी लाइफ से ज़्यादा मुश्किल किसी की लाइफ नहीं है। गाइस सबकी लाइफ मुश्किल होती है लेकिन डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में कह सकते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए आप जिस हाल में भी रहे, शुक्र अलहमदिल्ला। लुक हू सिंग, लुक हू सिंग। खैर अगर आपको हॉस्टल की टिप्स चाहिए होंगी तो नीचे कमेंट करें, अगला ब्लॉग हम हॉस्टल की टिप्स पर बनाएँ। और अगर मैं अपने हॉस्टल इन्वाइट करूँगी ताकि ये टिप्स दे दूँ। गई थी मैं गमर्स के हॉस्टल में, डिप्रेशन हो गया था, मैं 2 दिन उठी नहीं थी, बेहोश हो गई थी। मेरे से ज़्यादा शूट भी नहीं हो रहा, कोई कंटेंट नहीं है, क्या कंटेंट लेके आऊँ बता दो मुझे, क्या कंटेंट लेके आऊँ। इधर रोज़े के अंदर मुझे किसी ने अभी आइडिया दिया, रोज़े में ना डेढ़ करो किसी के साथ जाके। मैंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी, मैंने चपेड़े नहीं खाने किसी को रोज़े में जाके छेड़ूँ। तो रोज़ों में आपने बिल्कुल भी किसी के साथ डेट नहीं करना, किसी को छेड़ना नहीं है यार, अभी थप्पड़ वगैरह या चपेड़े पड़ गए ना तो बाद में मुझे मत कहना। किसने आइडिया दिया था इसको, किसी ने कहा था, ठीक है क्योंकि लोग मन करती हूँ, इससे पहले मुझे 80 फुट पड़ जाए।
तो व्लॉग बंद करते हैं, कुछ भी नहीं था। अफ्तारी का मैंने उसको कहा था चल लो, ये अफ्तारी पे नहीं गई, अफ्तारी पे करिए जाती तो यार सारे आ जाके मेरा पीछे कैमरा से क्यों देख रहे हैं। मैं अपना व्लॉग बंद कर रही हूँ तो देखें मेरा फोन, मेरी मर्जी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अभी पीछे ना माम नहीं आ रहा है, फेमिनिज्म आ रही है इसमें, फेमिनिज्म आ रही है। क्या फेमिनिज्म वाली भी आज हमारे क्लास में काफ़ी डिबेट चल रही है, उसके ऊपर मैं अपने कोई भी व्यूज़ नहीं दूंगी भाई। हम इस तरह के चक्करों में पड़ते ही नहीं हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। अल्लाह हाफिज़।